नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के रामनगर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम आवास के बाहर दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के जवान आपको यहां पर तैनात दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग थानों के SHOs और DSP करनाल खुद मौके पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस तरफ आप देख सकते हैं कि किसानों ने सीएम आवास के घेराव का पहले से ही ऐलान किया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार फिर से किसान आज घेराव करने के लिए पहुंचे हैं सीएम आवास का। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और इस सीएम आवास के घेराव की अगर मैं बात करूं तो एक रात दो दिन के घेराव का ऐलान किया गया था। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कुछ किसानों से। सर, कौन सी जमीनें हैं जिनको लेकर आज सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं? हरियाणा के कौन कौन से जिलों से यहाँ पर किसान पहुँचे? ये जुमला मालकांदे श्यामलात जमीन है, इसके अंदर 12 तरीके की जमीनें आती हैं। गाँव में इकट्ठे परिवारों की, शहर में मोल लगा देते हैं, गांव में परिवार थोड़ा कुणबा कह देते हैं, उनकी ज़मीनें हैं और इन ज़मीनों पर अंग्रेज़ों के समय से किसान काश्त कर रहे, खेती कर रहे अपनी, और अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये किसानों के पास थी। इनके इंतकाल रजिस्ट्री सब कुछ किसानों के नाम था और अब सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि इनका इंतकाल तोड़कर पंचायत वाली ज़मीन, गांव वाली ज़मीन का इंतकाल पंचायत के नाम कर दिया जाए और शहर वाली ज़मीन का नाम का इंतकाल नगर पालिका के नाम कर दिया जाए। इसी तरीके का एक कार्य इन्होंने भिवानी ज़िले में पिछले दिनों बाढ़डा के अंदर एक कारी मौत गांव है, वहां पर 94 एकड़ ज़मीन थी, प्रशासन ने उस पर कब्जा कर लिया था और 5 अगस्त को वहाँ पर एक बड़ी संख्या में पंचायत हुई थी और वो किसान उस गाँव की ज़मीन वापस किसानों को दिलाने का काम किया था पूरे हरियाणा की किसानियों ने इन्होंने। और जब तक इन ज़मीनों को किसानों के पास रहने का ये कार्य सरकार नहीं करने देती तो ये सरकार ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे किसान और ऐसे ही विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सीएमसी ने करनाल है, यहाँ पर किया गया प्रोटेस्ट की आवाज़ ऊपर तक जाएगी, मुख्यमंत्री तक जाएगी, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, पहले तो ये जो पंचायत का टर्निंग पॉइंट था पूरे हरियाणा के 14 कैबिनेट मंत्रियों का था, लेकिन हमारे करनाल के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था। फिर हमने अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से सलाह की तो सभी ने एक बात कही, भाई कैबिनेट मंत्री तो है नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री का आवास है, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर यह धरना प्रदर्शन जारी है। देख सकते हैं कि एक रात दो दिन का आपका ऐलान था तो रात आज यही रुकने वाले? मच्छरदानी की वो मंगवा ली है ना, मच्छरदानी कुछ है, खटोली मंगवा ली ना, मच्छरदानी भी सब कुछ है, खटोली खाट खटोली और जो भी है खेस पेस और सब कुछ मंगवा लिया। 48 घंटे इस हिंदुस्तान के किसानों को जगाना है, इसके साथ जो अग्निवीर बनते जा रहे हैं, बैंक कर्मी बन रहे हैं, डाकाने बन रहे हैं, उनको भी जगाना है। तो यहाँ पर खट्टर साहब की वही कोठी जहाँ पिछले साल फटा हुआ तिरंगा झंडा मिला था ना, आपने भी देखा था, हमने देखा। तो ये देखिए भाई है, वैसे मिला हुआ था 1884 में जमीन मिली थी दान की, 1884 में दान की जमीन मिली थी गांव वालों को और अब आकर के उसको शामलात दे बना दिया और शामलात दे बना करके उसको अपने मतलब कवर में कर रही है। गांव केस जीत भी गया दोड़ी गांव में और इंतकाल भी हमारे नाम हो गया। अब वो इंतकाल रद्द करने जा रहे हैं, पंचायत ने रेजुलेशन पास करके दे भी दिया, उसकी वजह से हम इंतकाल। देखो जैसे मेरा गाँव है शेखपुरा खालसा, आज से 40 साल पहले सभी किसानों ने गौ चराण जमीन को बांट लिया, उसके बाद उन किसानों ने आगे बेच दिया, उन्होंने आगे बेच दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन खाली करो, इस ज़मीन को हम लेंगे। अब DC को ये ऑर्डर दे दिया प्रत्येक जिले के भाई कर सकता है, खाली करने की बात की जा रही है। अब आराम आराम से खाली कराने के लिए गांव में जाने लग गए ना अधिकारी, सब कुछ है हमारे पास, इंतकाल भी है, रजिस्टर भी है। राजेश कुमार राय सोनीपत से। आज कहां-कहां से किसान पहुंचे हुए हैं? अभी 2 जिले के किसान हैं, करनाल और सोनीपत के। हाँ, तो ये अपने देश में एक ही किसान जवान, एक ऐसा आदमी रह चुका है जो इस मौजूदा तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और उन्होंने तो सभी ने धर्म की अफीम की गोली चाट ली है, जो मौजूदा सरकार ने देनी थी दे दी है, पर आराम आराम से पूरे का पूरा गांव विदेश क्यों भाग रहा है, युवा विदेश क्यों जा रहा है? बस मुझे इतना बता दो आप लोग, IBN चैनल सबसे बढ़िया चैनल है जिस पे आवाज़ उठाई जाती है, सिस्टम नहीं है ना, व्यवस्था नहीं है ना, पूरे के पूरे गांव का, मेरे तो गांव का सरपंच भी चला गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिस्टम को जगाने के लिए, सिस्टम को उठाने के लिए, जिंदा
हो जाओ जिंदा रहने के लिए ये लोग कर रहे हैं। जेपी शेखपुरा है जो कि कह रहे हैं कि सिस्टम को जगाने के लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है। सोनीपत और करनाल के किसान और महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आज रात किसान यही सड़कों पर बैठने वाले हैं। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिल रहा कि किसान सड़कों पर बैठे हैं। पहले भी किसान आंदोलन के दौरान जब 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर आए थे, बॉर्डर्स पर उतरे थे, तब भी वो सड़कों पर बैठे थे। और आज एक बार फिर से महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं। मैडम, आज किस लिए यहाँ पर पहुंची हैं, सड़क पर बैठी हुई हैं? सड़क पर तो इसने बिठाए रखे मोदी ने, केक रवे जो यह धरती नहीं है, श्यामला तो धरती है, या किसान पर तो खोसना चाह है या सरकार, लेकिन किसान पागल नहीं है। पहला थे अनपढ़ लोग, कर दे हैं काम ने, ईब हो रहे छोटे छोटे बच्चे भी जागरूक। इस आंदोलन तय एक इंच भी जमीन नहीं जान देंगे मामा अपनी, एक इंच भी। कहाँ कहाँ पे है ये जमीन है? ये सारे डिस्ट्रिक्ट में है, सारे डिस्ट्रिक्ट। टोटल कितनी जमीन है, कोई आईडिया? मालूम तो है नहीं, लेकिन बहुत जमीन है यह जो जिसने सरकार और नानी के अंडानी है, यूके अंबानी है, इसके अंडर में देना सोच रही है। हम देर नहीं देवेंगे। आप कहाँ से आए हैं? गक्सिणा से आए हैं। क्या नाम है आपका? अंजू संधू, महिला प्रदेश अध्यक्ष गांव गक्सिणा। आपका भी धरना है रात को? एक काल तक का, रात का के बिहाड़े बैठ जाएंगे यही, पानी जीटी रोड पे खाना दाना यही होगा हमारा तो। और भी महिलाएं पहुंची हैं? हाँ बहुत, पानीपत, सोनीपत और करनाल, 3 जिला की। पानीपत, सोनीपत और करनाल से अभी और भी महिलाएं यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, और भी किसान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस तरफ आप देखिए कि पुलिस के जवान आए हैं, क्योंकि किसानों को यहीं रोक लिया गया है, किसानों को इधर ही रोक लिया गया है। बैरिकेड इस तरफ है और यहीं पर रोक लिया गया। हालांकि सीएम आवास की बात की जाए तो सीएम आवास अंदर है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बड़ी संख्या में करनाल, पानीपत और सोनीपत के किसान आज सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे अपनी जमीनों को लेकर, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि अंग्रेजों के समय से ही किसान उन तमाम जमीनों पर, उन खेतों में काम कर रहे थे और आज किसान अपनी जमीनें किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और भी किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सड़कों पर बैठने को आज मजबूर हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। और अब और भी कुछ किसानों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सरदार मनमीत सिंह, गांव नडाणा। क्या कहना चाहेंगे आज अपनी जमीनों को बचाने के लिए? ये जो सरकार हमारे साथ धक्काशाही कर रही है, हमारी जमीनें, हमारा हक, सरकार ये जबरदस्ती से कभी कोई नया फरमान लाती है, कभी कोई नया फरमान लाती है, इसलिए हम इसके बचाव के लिए आज पंचायत की हुई है। आज पंचायत है और धरना बहुत बड़ा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।